50 साल से ये टांगा चला रहे हैं और इनका कहना ये है कि ये अभी भी हालांकि अब ऑटो का दौर आ चुका हुआ, टांगा कहीं कहीं जाके आपको मिलता है, लेकिन इसके बावजूद ये कहते हैं कि मेरा प्रेफरेंस यही है कि मैं यही प्रेफर करता हूँ कि मैं टांगा ही चलाऊँ रक्षे की बजाय, क्योंकि इनको 50 साल हो गए इस फील्ड से वाबस्ता और ये बहुत बड़ी बात होती है कि अपने विरसे को कायम रखना, सलामत रखना। इस वक्त आए हैं मुल्तान शहर की सबसे मशहूर सौगात जो कि पूरी दुनिया में मशहूर है वो लेने के लिए, यानी कि हम लोग लेने आए हैं सोन हलवा। और हमें जो रिक्शे ऑटो वाले बल्कि सॉरी टांगे वाले चाचा जी मिले थे, उन्होंने हमें इस दुकान पे उतारा और उनके बकौल ये सबसे अच्छी दुकान है और सारे मशहूर जो कस्टमर हैं यहीं पर आते हैं। आइए चलते हैं, चेक करते हैं कि टेस्ट कैसा। हाफिज़ अब्दुल बदूद साहब के नाम से ये है दुकान और यहाँ से हमने अभी सोन हलवा परचेज़ किया है। और क्योंकि कोई भी बंदा मुल्तान में आए और सोन हलवा ना खाए ये तो नामुमकिन से बात है, और इनका रेट भी अच्छा है और चीज़ भी अच्छी है इनकी। उम्मीद करते हैं आप भी जब भी, मैं तो ये रिकमेंड करूँगा जब भी आप यहाँ पे आएँ तो हाफिज़ मौलाना अब्दुल बदूद साहब की ये शॉप है वहीं से आप परचेज़ करें। की गर्मी ने और हमारे सफ़र ने अमार भाई को, मुझे और अता भाई को तकरीबन थका दिया हुआ है, तो हमने सोचा कि इस गर्मी को थोड़ा दूर करने के लिए इसका तोड़ निकाला जाए। हमने यहाँ पे आइसक्रीम ऑर्डर की है, लोग भी थोड़े से हैरान हो रहे होंगे, आप भी देख के हैरान हो रहे होंगे कि हम लोग लाहौर से मुल्तान जाके भी वहाँ की मशहूर चीज़ खाने की जाए आइसक्रीम खा रहे हैं। उसकी वजह यह है कि यहाँ पर गर्मी ज़्यादा है, उसकी गर्मी की शिद्दत को कम करने के लिए हमने सोचा कि आइसक्रीम खा लें। सारे आए हैं बाग दुआरे, पियो मैं और झूमो सारे आए हैं बाग दुआरे, जिस दर पे झूमे नाचे अरे रात को चांद और तारे, सितारों का का, बलियों का कलंदर तलू।